अरे वाह हम आ गए लाइव। सो so, दिख रहा हूं मैं क्या आप मुझे देख पा रहे हो जवानो अतुल पांडे जी गुड आफ्टरनून साक्षी अग्रवाल विष्णु सैंगल शुभम सिंह ज्योति पटेल गोपाल गोयल जी माली गोपाल गोयल जी राजेश कुमार, ओम, दिव्यांश अरुण चौधरी जी ओके साक्षी कुमावत जी शाली उदासी जी यश पाटिल लोप मुद्रा जी अतुल पांडे ईशावाघ वेदांत रूपम पल्लवी गुंजाल शुभम सिंह नमस्ते बेटा नमस्ते बच्चा लोग गुड आफ्टरनून टू तो ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग सो दोस्तों करते हैं शुरुआत आज के सत्र की बिना विलंब बिना रुके सबसे पहले तो एक चीज बताना चाहेंगे लेक्चर की शुरुआत में ही आज हम कोशिश करेंगे कोशिश के आज हम करेंगे ही करेंगे क्लॉक्स का टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे शिवा दुआ जी हेलो बेटा कैसे हो आप आज हम मैं बढ़िया हूँ एकदम बेटा मस्त फर्स्ट क्लास जिंदगी एकदम अच्छे से चल रही है हमारे सी एस ई टी के प्यारे प्यारे बच्चे रोज शाम को हमारे साथ जुड़ जाते हैं और वो हमारी दिन सुबह दिन भर की थकान एकदम नष्ट कर देते हैं बहुत प्यारे बच्चे हैं ओके okay, यस yes. अतुल पांडे जी बिल्कुल सही आप मेरे दिल को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो अतुल जी अतुल जी आज अपना कंप्लीट होने वाला है आज अपना यानी क्लॉक्स का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है और जैसे ही आज क्लॉक्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कल क्लॉक्स की आपके लिए होगी टेस्ट क्लॉक्स इस टॉपिक पे आपकी होगी कल की सत्र में टेस्ट ठीक है so, सो टेस्ट के लिए आपको डेमिका एप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ठीक है उस लिंक पे क्लिक करके एप को करना है डाउनलोड और अपने सक्सेस को करना है अपलोड ठीक है सो ऐप को डाउनलोड कीजिएगा कल टेस्ट होगी ठीक है टेस्ट जो है आप एग्जैक्टली exactly याद रखिएगा क्लॉक थी टेस्ट कल दोपहर एक बजे होने वाली है ठीक है सो आपका लेक्चर 230 के आसपास स्टार्ट होता है तो दोपहर एक बजे आपकी टेस्ट होगी ठीक है सो एक बजे से लेके डेढ़ बजे के बीच में वन to वन थर्टी क्लॉक्स पे टेस्ट होगी तो टेस्ट को बिल्कुल मिस नहीं करोगे ठीक है जो बच्चे टेस्ट में टॉप करने वाले हैं जो बच्चे टेस्ट में टॉप करने वाले हैं उनको मेरी तरफ से कुछ तोहफा मिलने वाला है ठीक है सो देखते हैं कितने लोग टॉप का मतलब होता है आउट ऑफ आउट मार्क्स आने चाहिए बिल्कुल जितने भी नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको आपको पूछे जाएंगे 25 नंबर के क्वेश्चन 25 फाइव नंबर के क्वेश्चन तो आपने 25 में से 25 लेंगे तो मेरी तरफ से आपको मिलेगा तोहफा ओके चलो सो लेकिन टेस्ट ऑनेस्टली देनी है और ऐप ऐप पे ही देनी है ठीक है कॉपी करना नहीं है किसी ने भी चलो सो so, देवी और सज्जनों आज के सत्र की नहीं नहीं साहिल शास्त्र जी कह रहे सर वर्चुअल मनी देंगे क्या नहीं बेटा ठीक है मनी नहीं मनी के अलावा आपको कोई दूसरी गिफ्ट मिलने वाली है ओके okay, चलो सो so, देवी और मनी वाला तो गिफ्ट अपने एमसीक्यू के सत्र में होता है वर्चुअल मनी तो देवी और सज्जनों करते हैं आज के सत्र की शुरुआत प्रारंभ हो रहा है दोस्तों क्लॉक्स में हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है उसका एक बार यस yes, एक बार क्विक रिकैप कर लेंगे फेस ऑफ द क्लॉक द फेस ऑफ द क्लॉक क्लॉक का शेप क्लॉक इज राउंड सर्कुलर इन शेप ठीक है क्लॉक इज सर्कुलर इन शेप क्लॉक में तीन नीडल्स होती हैं, सबसे बड़ी वाली सेकेंड्स उससे छोटी वाली मिनट और सबसे छोटी वाली आर्स की नीडल होती है सबसे छोटी भी होती है और सबसे धीमे 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 ठीक है इसकी गति होती है उसके बाद नंबर ठीक है क्लॉक के अंदर क्लॉक के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो एक से लेके बारह तक ऐसे बारह नंबर्स होते हैं और वो बारह नंबर के बीच का जो गैप होता है वो इक्वल गैप होता है गैप बिटवीन द नंबर्स इन द क्लॉक ठीक है दैट इज इक्वल ओके उसके बाद दोस्तों हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक मिनट का एक काटा जो है मिनट का जो काटा है ये कंप्लीट राउंड रोटेशन भाई सब आपका नाम जान सकते हैं राम रंग जी राम रंग जी आपका स्वागत है ठीक है आ, कुछ बच्चे ऑनलाइन से हमसे जुड़े हैं और कुछ बच्चे यहाँ पे फेस टू फेस भी है हमारे सामने ठीक है so सो राम रंग जी ने आज से हमें ज्वाइन किया है राम रंग जी शायद आप नवंबर में एग्जामिनेशन देने वाले हो वेरी गुड बेटा ठीक है रादर आप सभी लोग नवंबर वाले ही हो चलो वेरी गुड तो दोस्तों क्लॉक के शेप के बारे में हमने बात की थी क्लॉक के नंबर्स के बारे में नीडल्स के बारे में उसके बाद मैंने आपको यह भी बताया था मिनट का जो कांटा होता है वो एक कंप्लीट राउंड रोटेशन लगाने के लिए साठ मिनट लेता है और साठ मिनट में जो वो कौन तैयार करता है मना एंगल तैयार करता है वो कितने डिग्रीज का एंगल क्रिएट करता है 360 हंड्रेड एंड का तो एक मिनट में एक मिनट में जो एंगल क्रिएट होता है वो सिक्स डिग्रीज का एंगल क्रिएट होता है पांच मिनट में थर्टी डिग्रीज का एंगल क्रिएट होता है ठीक है और 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है ये हम सभी लोग जानते हैं घंटा मना आर्स का जो काटा है आर्स का जो काटा है वो जब एक राउंड रोटेशन लगाता है आर्स का जो काटा है जब वो एक राउंड रोटेशन लगाता है तो एक राउंड रोटेशन लगाने के लिए उसको बारह घंटे लगता है कितने घंटे लगते हैं क्योंकि सीधी में धीमे कछुए की चाल चलता ही है तो इसलिए सबसे ज्यादा समय लेता है यह ओके सो तो आर्स का जो काटा है वो दो नंबर्स के बीच में यानी इन वन आर इन आर वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है में आर्स का काटा, कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है चलो जल्दी से बता दीजिए ऑनलाइन वालो आप भी बता दीजिए फटाफट फड़। शुभम सिंह जी कह आई शेड यूर लेक्चर्स टू ऑल माई सी एस सर यूर टीचिंग स्टाइल इज ऑसम शुभम जी तह दिल आपका धन्यवाद बेटा ठीक है अगर आपको वाकई हमारी टीचिंग पसंद है तो जितने हो सके उतने दोस्तों के साथ आप बिल्कुल शेयर करते हम बिलीव करते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है अगर हमारे ज्ञान से आप लोगों का फायदा होता है तो हम बिल्कुल कोशिश करते रहेंगे और जितने ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ते रहेंगे उतना जितने ज्यादा लोग हमसे जुड़ते रहेंगे उतना हमें बहुत ज्यादा खुशी होगी हमें मोटिवेशन मिलेगा ठीक है अब क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा था कि एक घंटे में ठीक है जो आर्स का काटा है वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करता है तो यस बिल्कुल यश पाटिल जी अरुण चौधरी जी पल्लवी ओम विष्णु राम रंग लोक मुद्रा लोप मुद्रा जी आप सभी ने सही जवाब दिया थर्टी डिग्री का एंगल क्रिएट होता है ठीक है चलो वेरी गुड बच्चा लोग उसके बाद दोस्तों हमने <coughs> जो कुछ क्वेश्चंस थे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस उसके बारे में डिस्कशन करना शुरू किया था सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमने जिस टाइप पे सॉल्व किए थे वो था व्हाट इज द एंगल क्रिएटेड बाय द हैंड्स ऑफ द क्लॉक ठीक है व्हेन दे आर एट अ पर्टिकुलर टाइम जब घड़ी के कांटे घड़ी के अंदर कुछ एक सर्टन स्पेसिफिक समय बताते हैं तो उस समय पे घड़ी के कांटों के बीच में जो कौन बनता है वो कौन कितने अंश का बनता है ठीक है वो तय करने के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला दिया था छोटा सा फॉर्मूला दिया था शायद वो फॉर्मूला सबको याद होगा है ना व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वट वॉज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक यस एंगल इज इक्वल टू इलेवन बाई टू मिनट्स माइनस थर्टीन

घड़ी के कांटों के बीच में जब घड़ी के कांटे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं तो उनके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है वो कितने डिग्रीज का एंगल क्रिएट होता है फटाफट फटाफट बताते जाइएगा ओके साक्षी कुमावत जी कह रहा है जीरो डिग्रीज का वेरी गुड बाकी लोग जब घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं ना तो इनके बीच में कोई मिनट स्पेस नहीं होता मिनट स्पेस नहीं होता तो इनके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है जीरो डिग्रीज का एंगल क्रिएट होता है ना ओके ऐसा एक घंटे में कितने बार होता है ऐसा एक घंटे में कितने बार होता है एक घंटे में एक बार बारह घंटे में ग्यारह बार बारह घंटे में ग्यारह बार और चौबीस घंटे में बाईस बार वेरी गुड ठीक है सो so, दोस्तों इसके ऊपर हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि कोइंसाइड किसी भी पर्टिकुलर आर में हैंड्स ऑफ द क्लॉक एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कितने बजे होते हैं

कौन जो तैयार होता है एंगल जो क्रिएट होता है वो 15 मिनट्स स्पेस के बाद होता है, दो बार होता है ठीक है आपके घड़ी के दो हफ्ते दो हफ्स कौन से घड़ी के आपके पूरी राउंड घड़ी में दो है कौन से दो हफ्ते है एक पहला हफ्त बारह से छह के बीच में इसको हम फर्स्ट हाफ कहते हैं दूसरा हाफ छे से लेके बारह के बीच में जो बता रहा हूं ध्यान देके सुनिएगा ठीक है देखो 90 डिग्री का जो एंगल क्रिएट होता है फर्स्ट हाफ में एक बार होता है और सेकंड हाफ में एक बार होता है 90 डिग्री का जो एंगल क्रिएट होता है वो फर्स्ट हाफ में एक बार होता है सेकंड हाफ में एक बार इसलिए एक घंटे में दो बार एंगल क्रिएट होता है 90 डिग्री का वैसे 12 घंटे में कितनी बार होता है 22 बार 24 घंटों में 44 टाइम्स ऐसे होता है ठीक है चलो सो so, देवी और सचिन इसके बाद हमने नेक्स्ट डिस्कशन जो किया था वो ये था ठीक है घड़ी के कांटे एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट दिशा में कब होते हैं जब ये एक दूसरे के एग्जैक्टली exactly अपोजिट दिशा में होते हैं तो इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती है और ये स्ट्रेट लाइन हर तीस मिनट के बाद क्रिएट होती है ठीक है राधर ऐसे हम कह सकते हैं जब एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट होती है तो इनके बीच में जो मिनट स्पेस होता है वो थर्टी मिनट्स का होता है और जो एंगल क्रिएट होता है वो कितने डिग्रीज का एंगल क्रिएट होता है 180 का एंगल क्रिएट होता है इस 180 डिग्री का एंगल तैयार होता है घड़ी के काटो के बीच में चलो सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों ऐसे एक घंटे में एक बार ग्यारह बारह घंटे में ग्यारह बार और चौबीस घंटों में बाईस बार ऐसे होते ही रहता है चलो सो दोस्तों सुनिएगा ध्यान देखिए सुनिएगा हाँ तो सर हम कह सकते हैं कि यहां पे एक घंटे में एक बार साइड होते हैं एक घंटे में एक बार अपोजिट होते हैं लेकिन एक घंटे में दो बार परपेंडिकुलर बनते हैं एक घंटे में कितनी बार ठीक है सो so, परपेंडिकुलर फर्स्ट हाफ में भी बन सकते हैं सेकेंड हाफ में भी बन सकते हैं इसलिए जब इसका जब हम फॉर्मूला पढ़ेंगे ना तो इसका फार्मूला पढ़ते वक्त दो साइंस आते हैं एक पॉजिटिव साइन और एक निगेटिव साइन ठीक है बाकी केसेस में आपने एक ही साइन का इस्तेमाल किया तो भी चलेगा लेकिन इस फॉर्मूला में आपको दो साइन का इस्तेमाल करना पड़ता है पॉजिटिव नेगेटिव सर ये साइंस क्या है वो आगे बता देंगे चिंता मत करें अब फॉर्मूला जो हमने बताए थे वेन देंड्स ऑफ द क्लॉक दे ओवरलैप विद इच अदर देन टाइम कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला था वो था 12 बाई 11 इंटू एच इंटू फाइव वेर एच इज स्टार्टिंग आर h इज स्टार्टिंग आर ठीक है सो 12 बाई इलेवन इंटू एच इन टू फाइव यह फॉर्मूला यूज करके आपको टाइम पता चलेगा ठीक है अब परपेंडिकुलर का केस है देवी और सच्चों ने ध्यान देखिएगा वेन देंड्स क्लॉकडिकुलर टूच अदर तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मुला है फॉर्मूला है ट्वेल्व बाई इलेवन इन टू इन ब्रैकेट एच इन टू फाइव और यहां पर प्लस या माइनस का साइन प्लस और माइनस फिफ्टीन ओके सर यहां पर फिफ्टीन क्यों आया पहले तो यानी देखो इतना फॉर्म्यूला सेम ही है सिमिलर टू द फर्स्ट वन ठीक है पहला फॉर्मूला भी क्या था ट्वेल्व बाई इलेवन इन फाइव तो इतना तो फॉर्मूला पहले भी था ठीक है सर ये फिफ्टी क्यों आया रीजन क्या फिफ्टीन आने के पीछे रीजन फिफ्टीन क्यों आया फिफ्टीन आने के पीछे रीजन ये है कि परपेंडिकुलर जब बनते हैं घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर जब बनते हैं तो इनके बीच का जो मिनट स्पेस होता है वो पंद्रह मिनट का स्पेस होता है ठीक है तो सर यहां पे फिर पंद्रह मिनट आपने प्लस करने माइनस करने क्या करने हा तो दो साइन क्यों लिए क्योंकि देखो पंद्रह मिनट का स्पेस एक तो फर्स्ट हाफ में हो सकता है नहीं तो सेकेंड हाफ में अगर फर्स्ट हाफ में आपको ढूंढना है तो प्लस का साइन यूज करना है अगर सेकेंड हाफ में आपको आंसर ढूंढना है तो माइनस का साइन यूज करना है ठीक है फ्रॉम आईसीएसआई पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है प्लस साइन यूज करना है या माइनस साइन यूज करना है ठीक है इसके लिए मैंने आपको एक चीज बताई थी चीज क्या थी अगर रेगुलर बैचेस आपने अटेंड की होगी तो याद होगा नहीं भी की होगी तो रिविजन बैचेस में बता देता हूं अगर आपको पूछा है कि यहां फर्स्ट हाफ में अगर आपको टाइम दिया होगा किस हाफ में टाइम दिया होगा यानी आपको पूछा है एक और दो बजे के बीच में घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ कब परपेंडिकुलर है अगर ऐसा पूछा होगा तो ऐसे केस में फर्स्ट हाफ के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल करना ठीक है आपका स्टार्टिंग और और लास्ट वाला आर फर्स्ट एंड लास्ट वाला आर अगर फर्स्ट हाफ में होगा तो कौन सा प्लस वाला साइन का इस्तेमाल करना ठीक है ओके okay, जैसे से छह बजे के बीच में पूछा है है तो प्लस का। लेकिन अगर अगर सेकंड हाफ में आपको परपेंडिकुलर कब होता पूछा होगा सेकंड हाफ यानी से सात के बीच में सात से आठ आठ से नौ नौ से दस दस से ग्यारह ग्यारह से बारह इस बीच में कब घड़ी के काटे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं अगर ऐसा सवाल आपको पूछा होगा तो ऐसी स्थिति में आप जो साइन यूज करेंगे वो माइनस वाला साइन यूज करेंगे ठीक है तो फार्मूला वही बस साइन अलग है तो क्या फार्मूला है ट्वेल्व बाई इलेवन इंटू ब्रैकेट एच इंटू फाइव अगर फर्स्ट हाफ में क्वेश्चन पूछा होगा तो प्लस फिफ्टीन सेकेंड हाफ में क्वेश्चन पूछा होगा तो माइनस फिफ्टीन इससे हमें क्या पता चलेगा मिनट्स पता चलेंगे ये फॉर्मूला से हमें मिनट्स पता चलता है किने कितने मिनट्स बाद क्या पता चलता है कितने मिनट्स बाद घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ पर्पेंडिकुलर होने वाले हैं ये मिनट्स के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन मिलता है ठीक है चलो सो दोस्तों देवियो और उनके प्यारे प्यारे भाइयों अभिनव सिंह जी हेलो बेटा शाहवत बिल्कुल सही जवाब दिया आपने बेटा स्टार्टिंग आ रहा। अब बारी आती है क्वेश्चन सॉल्व करने की तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं चलो लेट अस बिगिन सो दोस्तों पहला सवाल आपके लिए ये रहा डायरेक्ट सवाल मैं यहीं पे पूछ लेता हूं आपको ओके okay. पहला सवाल आपके लिए ये रहा कौन सा रहा ये रहा ठीक है एट व्हाट टाइम बिटवीन सभी लोगों ने जवाब दिए जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद है इस मंच पे जितने भी बच्चे मौजूद है ऑनलाइन के माध्यम से या इसके बाद रिकॉर्डेड के माध्यम से अगर आप, आप ये लेक्चर्स देखेंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा एक्टिव रहता है पोस्ट करते जाइए okay, तो चार और पांच बजे के बीच में घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ कब पर्पेंडिकुलर होंगे ये आपने बताना है चार और पांच बजे के बीच में घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ कब परपेंडिकुलर रहेंगे ये आपने जवाब देना है इसका चार और पांच बजे के बीच में घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ कब होंगे पर पेंडिकुलर ये आपने बताना है चलो सर फॉर्मूला लिख के दीजिएगा द टाइम एट विच द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी परपेंडिकुलर टू अदर इज दू ट्वेल्व बाई इलेवन इन टू ब्रैकेट दो ब्रैकेट से यहां पे एक बड़ा ब्रैकेट एक छोटा ब्रैकेट ठीक है क्योंकि यहां पे पहले जो बड़े ब्रैकेट के कैलकुलेशन से वो आपको करना है ठीक है इन टू ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट एच इंटू फाइव अब यहां पर पहले बताइए साइन कौन सा यूज करोगे साइन कौन सा यूज करोगे प्लस या माइनस देखिए ऑनलाइन बोलो कॉमेंट सेक्शन में जवाब देने हैं साइन कौन सा यूज करेंगे ओके okay, साहिल शाश्वत जी ने आंसर भी दे दिया थर्टी एट एंड टू बाई इलेवन मिनट पास्ट फोर ओ क्लॉक पूरा जवाब देना पास्ट फोर ओ क्लॉक लिखना भूलना नहीं है ओके okay, शाहिल शाश्वत जी कह रहे हैं कि सर प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे रीजन बिंग ठीक है ये फर्स्ट हाफ में टाइम आता है ये फर्स्ट हाफ में चार से पांच फर्स्ट हाफ में आता है बारह छ तीन और नौ तो तीन के बाद चार चार के बाद पांच देखो ये फर्स्ट हाफ में फर्स्ट हाफ में तो प्लस साइन सेकेंड हाफ में तो माइनस साइन ओके okay. साहिल जी वेरी गुड बेटा ठीक है बस एग्जामिनेशन में याद रखियो सभी लोग एग्जामिनेशन में याद रखी होगा <coughs> ओम जी बिल्कुल सही प्लस साइन अरुण चौधरी विष्णु प्लस साइन का इस्तेमाल करना है वेरी गुड बच्चा लोग ओके okay, सो so कुछ लोगों के आंसर्स भी आए हैं साक्षी जी का आंसर आ चुका है वेरी गुड साहिल जी आपका स्पीड बहुत बढ़िया है बेटा ज्योति पटेल बेटा आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है ओके okay, सो so देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों ठीक है यहां पे टाइम ढूंढने के लिए फॉर्मूला प्लस फिफ्टीन वाला यूज करोगे आप ओके okay, तो सबसे पहले ट्वेल्व बाई इलेवन इंटू स्टार्टिंग इंटू फाइव प्लस फिफ्टीन तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करना है फोर इंटू फाइव वाला तो ट्वेल्व बाई इलेवन इंटू फोर इंटू फाइव ट्वेंटी यह ब्रैकेट के अंदर का आंसर है ट्वेंटी अब ये ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद प्लस फिफ्टीन करना और दूसरा ब्रैकेट सॉल्व कर लेना ठीक है सो इंटू ट्वेंटी प्लस फिफ्टीन दोस्तों बीस प्लस पंद्रह पैतीस आते हैं थर्टी फाइव आता है तो देवियों और उनके प्यारे प्यारे देवताओं ठीक है अब यह सॉल्व होने के बाद पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो ठीक है ट्वेल्व और थर्टी फाइव का एक दूसरे के साथ होगा टक्कर और टक्कर से जवाब मिलेगा चार सौ बीस बाई ग्यारह अब चार सो बीस बाई ग्यारह को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करना है तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले 11 डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख लेना उसके बाद 420 को 11 से डिवाइड करके उसका जवाब कितना आता है वो देखना उसका जवाब 38.18 आता है तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट छोड़ देना डेसिमल के पहले वाला पार्ट पकड़ के उठा के उसको यहाँ लेके आना तो आपने थर्टी एट यहाँ लिख दिया <coughs> यस लॉफुल साहिल ओके याद आ गया बेटा लेकिन आपने शायद आपका नाम बदल दिया साहिल शाश्वत जी अच्छा लगा आपने आपका ओरिजिनल नाम जोड़ दिया ओके okay, चलो सो so, यहां पे पहले आपने 38 लिखना है तो 38 अब यहां पे 11 आ गया डिनोमिटर एज इट इज उसके बाद 38 कैसे ढूंढना है ये मैंने बता दिया अब न्यूमरेटर कैसे ढूंढे तो न्यूमरेटर में ऑलरेडी 420 है 420 ये नंबर प्यारा होता है बस ये 420 में से आपने 38 और 11 ऑलरेडी लिख दिया है तो 38 into 11 का आंसर कितना आता है देखो 38 into 11 का आपको आंसर मिलेगा 418 तो 420 में से 418 418 आप ऑलरेडी लिख चुके हो तो बचा हुआ 2 यहां पे आएगा ठीक है सो so, 38 एंड 2 बाय 11 मिनट्स 38 एंड 2 बाय 11 मिनट्स पास्ट फोर ओ क्लॉक ठीक है पे इस समय पे घड़ी के काटे एक दूसरे के साथ वो होंगे क्या होंगे होंगे ठीक है सो इसका जवाब सभी को आ गया दोस्तों इसमें सभी को समझाओगे तो कृपया अपने कमेंट सेक्शन में यस लिख सकते हैं या फिर दिल भी भेज सकते हैं ठीक है अगर सबको समझ में आ गया हो तो ज्योति पटेल देन माली गोपाल बिल्कुल सही जवाब दे चुके हो आप लोग ओके okay, यश yes जी एकदम परफेक्टली समझा है साक्षी जी समझ में आ गया राम रंग वेदांत जी ईशा बाग जी वेरी गुड बच्चा लोग बाकी लोगों को भी कैलकुलेशन समझ में आ गए आई बिलीव किसी को डाउट है तो डाउट भी पूछना है कमेंट सेक्शन में ओके अभिनव सिंह वेरी गुड बेटा लोप मुद्रा जी अतुल पांडे हर्षाली जी माली गोपाल एम जी देन अरुण चौधरी जी ओके okay, बेटा चलो वेरी गुड गौरव जी सर यहां पास्ट फोर ओ क्लॉक का क्या चक्कर होता है बेटा चार बजकर अड़तीस मिनट के बाद ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे जैसे यहां पे चार और पांच बजे के बीच में कब परपेंडिकुलर होंगे तो परपेंडिकुलर हमेशा चार बजे के बाद और पांच बजे से पहले होते हैं ठीक है so, सो चार बजे के बाद ठीक है आपको यह लिखना है स्टार्टिंग आर के बाद ही परपेंडिकुलर होंगे इसलिए आपको लिखना है चार बजकर अड़तीस मिनट जब होंगे साढ़े चार बजकर आठ मिनट ठीक है या चार बजकर अड़तीस मिनट पे ये परपेंडिकुलर होंगे ये इसका मतलब होता है बेटा शुभम सिंह जी फाइव हार्ट थैंक यू विष्णु सैंगल जी ने तो अपना दिल पूरा का पूरा हमें दे दिया थैंक यू बेटा चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन और दो क्वेश्चन में दूंगा ठीक है ये दो क्वेश्चन में अगर किसी को क्वेरी आती है तो जरूर पूछ लेना ठीक है घड़ी में सात और आठ बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा जब घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे घड़ी में सात और आठ बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा जब घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों सभी ने जवाब देना है ज्योति पाटिल पल्लवी जी देखो उससे फर्क नहीं पड़ता साहिल जी सुबह के हो शाम के हो या रात के हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पड़ेगा हमारे फॉर्मूला पे दैट इज गोइंग टू रिमेन ही सात और आठ बजे के बीच में ओके okay, फॉर्मूला देना है मैंने फॉर्मूला दे देता हूं ठीक है सॉरी टाइम इज इक्वल टू यहाँ पे एंगल नहीं यहाँ पे टाइम ढूंढना है टाइम इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई इलेवन इन टू देवी और उनके प्यारे प्यारे भाईयों एच इन टू फाइव ठीक है यहाँ पे साइन क्या आएगा प्लस या माइनस साइन क्या आएगा प्लस साक्षी जी ने आंसर भी दे दिया साक्षी जी हर्षाली उदासी जी दिया अग्रवाल जी वेरी गुड बच्चा पार्टी गौरव जी अभिनव सिंह ओके प्लस किया है कुछ बच्चों ने देखो साइन कौन सा यूज करना है ये आपको संभाल के याद रखना है आपको बच्चों, ठीक है सात और आठ सात और आठ इसलिए मैं पहले आपको सॉल्व करने देता हूं ताकि आपसे गलतियां होनी जरूरी है गलतियाँ होगी तो ही सीखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे रूपम कह रहे हैं माइनस साइन यूज करना चाहिए सर वेरी गुड बेटा रूपम बेटा बिल्कुल सही है ठीक है चलो सो so, सभी लोगों ने ऑलमोस्ट सभी लोगों ने आंसर दे दिए हैं अपने ठीक है बस इतना भूलना नहीं है बारह छ तीन नौ इसमें सात और आठ जो आते हैं वो सेकेंड हाफ में आते हैं और सेकेंड हाफ में माइनस साइन का हमें इस्तेमाल करना है ठीक है सो ट्वेल्व बाई इलेवन इन ब्रैकेट एच इज स्टार्टिंग तो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों इंटू ब्रैकेट सेवन इंटू फाइव इज थर्टी फाइव थर्टी फाइव माइनस फिफ्टीन पैंतीस में से पंद्रह को हटा देना तो बारह बटा ग्यारह इंटू पैतीस माइनस पंद्रह माइनस पंद्रह आता है बीस बीस और बारह की जब करेंगे टक्कर तो मिलेगा दो सौ चालीस दो चालीस बटा ग्यारह तो पहले डिनोमिनेटर आपको एज इट इज लिख के लेना है और दो सौ चालीस बटा ग्यारह का आंसर आपने निकालना है दो सौ चालीस बटा ग्यारह का आंसर आएगा इक्कीस दशमलव इक्यासी ठीक है सो इसमें से इक्यासी को करना है गायब ठीक है बस जो दाहिने बाजू इक्कीस है ठीक है उसको हमने कंसिडर करना है ट्वेंटी वन को कंसिडर करेंगे ठीक so है, ढूंढना हैल्यू ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दो सौ चालीस में से अपने पास ऑलरेडी टू थर्टी वन है तो दो सौ चालीस में से टू थर्टी वन है तो बच्चे नौ तो 21 और 9 बटा ग्यारह मिनट पास्ट सेवन ओ पे ये घड़ी के काटे एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बना के पेंडिकुलर बन जाएंगे तो 21 बटा नो बाई ग्यारह यह जवाब देने वाले साहिल जी साक्षी जी लोप मुद्रा जी रूपम जी ज्योति वेदांत पल्लवी अरुण चौधरी माली गुप्ता राधर माली गोयल जी अतुल पांडे विष्णु यश पाटिल जी हर्षाली उदासी जी अभिनव सिंह जी गौरव जी आपका आंसर गलत हो गया बेटा आपने शायद साइन गलत लिख दिया है और दिव्या अग्रवाल दिव्या अग्रवाल बेटा आपने सबसे पहले जवाब दिया था सबसे सटीक जवाब दिया था कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू टेस्ट जो होगी वो कल आईकन अकेडमी के ऐप में होने वाली है ऐप की लिंक कमेंट सेक्शन में डाल देंगे चिंता ना करें ऐप डाउनलोड करना है उसमें टेस्ट सभी के लिए ओपन है चलो या फिर आईकन अकेडमी का व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन कर लिया होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप में हम ऐप की लिंक डाल देंगे चलो आखिरी सवाल इस टाइप पे आपको पूछा जा रहा है आखिरी सवाल ठीक है ऐसा कौन सा समय होगा जब ऐसा कौन सा समय होगा जब बारह और एक के बीच में बारह और एक के बीच में हैंड्स ऑफ द क्लॉक विल बी पर्पेंडिकुलर टू इच अदर बारह और एक बजे के बीच में बारह और एक बजे के बीच में ऐसा कौन सा समय होगा जब घड़ी के कांटे एक दूसरे से नब्बे अंश का कौन बनाएंगे द एट वॉट टाइम बिटवीन ट्वेल्व एंड वन द क्लॉक विल बी the clock shall द perpendicular टू each अदर हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते हैं बारह और एक बजे के बीच में घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ किस समय पे नब्बे अंश का कौन बनाएंगे सो so, फटाफट फड़ जवाब देंगे सभी बच्चे प्यारे प्यारे मेरे नन्ने नन्ने प्यारे प्यारे, प्यारे बच्चे साहिल शाश्वत जी ने जवाब दिया है 81 एंड 9 बाई इलेवन मैं सिर्फ पढ़ूंगा मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा अभिनव सिंह जी ने जवाब दिया है 16 एंड 4 बाय इलेवन मिनट्स पास्ट 12 ओ क्लॉक ओके okay, साक्षी अग्रवाल जी 81 एंड 9 बाय 11 मिनट्स पास्ट 12 ओ क्लॉक साहिल सॉरी यस yes, शाहिल है ओके okay, साहिल और साक्षी दोनों का जवाब मैच हो रहा है अभिनव और लोप मुद्रा का जवाब मैच हो रहा है ओके okay, वेदांत जी का भी आंसर आ चुका है दिव्या अग्रवाल जी का सबसे अलग और सबसे न्यारा दिव्या जी का आंसर है प्यारा 49 एंड 1 by 11 मिनट्स पास्ट 12 ओ क्लॉक हरिशाली जी कह रहे सर थोड़ा ट्रिकी है यह इसलिए तो आखिरी में रखा था आखिरी हमेशा एडम बॉम होता है यश पाटिल 16 एंड 5 बाई 11 ईशा बाग एटी एंड 9 बाई 11 मिनट्स अभिनव सिंह जी ओके okay. अरे नहीं आ रहा है मुझे पता है बहुत बच्चों को नहीं आ रहा होगा तो चिंता का विषय नहीं मैं हूं ना यहां पे बैठा हुआ चिंता क्यों करते हैं ओके यश पाटिल जी सॉरी कहने की जरूरत नहीं बेटा आंसर गलतियां इंसानों से ही होती है और इंसान गलतियों से ही सीखता है यही जीवन की सच्चाई है तो बेटा बिल्कुल बेझिझक गलतियां करो शुभम सिंह जी एट वन एंड नाइन एट 81, वन ओके एटी वन एंड नाइन बाई इलेवन पास्ट ट्वेल्व ओ क्लॉक चलो सो देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों ऑलमोस्ट सभी ने आंसर दिए पल्लवी जी का भी आंसर आ चुका है माली जी का भी आंसर आ चुका है अनन्या बिरला जी का भी आंसर आ चुका है सभी लोगों का आंसर आ चुका है सो so, देवी और उनके प्यारे प्यारे भाइयों जिन लोगों ने 81 एंड समथिंग बाय समथिंग आंसर दिया है थोड़ा सोच समझ के आंसर दीजिएगा इसका मतलब होता है एंड एंड मिनट्स मिनट्स अब मुझे बताइए क्या आपके घड़ी में ऐसा कोई भी घंटा है जिसमें साठ से ज्यादा मिनट पाए जाते हैं अगर आपके घड़ी में ऐसा कोई घंटा है जिसमें साठ से ज्यादा मिनट पाए जाते हैं तो आप ऐसी घड़ी मुझे भी दीजिए क्योंकि मुझे समय बहुत कम पड़ता है मेरा घंटा साठ मिनट में खत्म होता है और मुझे लेक्चर जो है ना ज्यादा मिनट लेने होते हैं ठीक है थीके? ओके सो कृपया ऐसा घड़ी मुझे गिफ्ट करेंगे तो अच्छा होगा तो इसलिए जब भी आंसर ढूंढेंगे दूनें ढूंढेंगे तो थोड़ा सा आंसर आने के बाद थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना जरूर है चलो तो दोस्तों गलती आपने कहा की आपके घड़ी में जब समय 12 बजे से शुरू होता है तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग आर अगर 12 होगा तो उसको 12 मत लेना दैट इज जीरो आर दिन की शुरुआत रात के 12 बजे होती है तो हम उसको 12 नहीं लेते हैं हम उसको शून्य घंटा मानते हैं शून्य घंटा दिन का प्रारंभ रात के 12 बजे से होता है ठीक है तो रात के 12 बजे से लेके एक बजे के बीच में एक घंटा कंप्लीट होता है क्यों क्योंकि घड़ी में भले ही यहां पर नंबर बारह लिखा होता है लेकिन उसको ठीक है मान्यता शून्य की है शून्य के बाद एक आता है एक के बाद दो दो के बाद तीन तीन के बाद चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और उसके बाद बारह आता है ठीक so, है, के बाद बारह है एक के पहले बारह नहीं लेते शून्य लिया जाता है ठीक है अपना इसके पहले वाले जो हमने शनिवार के दिन सैटरडे के दिन जो सेशन लिया था उसमें ये बात को हमने छेड़ा था और भली बात ही आपको समझाने की कोशिश की थी लेकिन गलती आपसे दोबारा हुई है कोई बात नहीं समझना जरूरी है आपको तो टाइम इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई इलेवन इंटू ब्रैकेट एच इंटू फाइव और फर्स्ट हाफ में इसलिए प्लस फिफ्टीन वाला साइन यूज करोगे तो ट्वेल्व बाई इलेवन इंटू स्टार्टिंग आर जो लेंगे जीरो लेंगे ठीक है स्टार्टिंग आर ट्वेल्व मत लेना क्या लेना जीरो जीरो इंटू फाइव प्लस फिफ्टीन तो दोस्तों ट्वेल्व बाई इलेवन इंटू जीरो इंटू फाइव होता है जीरो जीरो इंटू फाइव होता है जीरो जीरो प्लस फिफ्टीन होगा जीरो नहीं होगा जीरो प्लस फिफ्टीन होगा इलेवन so so है वन एटी डिवाइडेड बाय इलेवन का मिनट ढूंढने के लिए पहले 11 को हम नीचे लेके आ चुके हैं उसके बाद 180 सौ अस्सी बटा वन एटी डिवाइडेड बाय इलेवन

ठीक so, <laughs> है, नहीं, बटा ग्यारह कहते हैं हिंदी में उसको बटा बना डिवाइड होता है बेटा ओके okay, चलो जो हिंदी मीडियम से बच्चे पढ़े हैं उनको जरूर समझेगा ओके okay, चलो सो so, कोई बात नहीं हिंदी लैंग्वेज उस हिंदी लैंग्वेज में भी बहुत मिठास है ठीक है so, सो अंग्रेजी लैंग्वेज से हम बहुत ज्यादा वाकिफ होते हैं लेकिन हिंदी लैंग्वेज का मजा कुछ अलग ही होता है कोई बात नहीं आपके साथ मैं ज्यादा अंग्रेजी का इस्तेमाल करते जाऊंगा चिंता ना करे चलो सो so, सही जवाब देने वाले भाग्यवान विजेते जो थे वो कौन थे कौन थे कौन थे, थे? लोप मुद्रा जी बिल्कुल सही जवाब अभिनव सिंह जी ने पहले जवाब दिया उसके बाद लोप मुद्रा जी का जवाब सही आया ठीक है यश पाटिल जी ने थोड़ी सी गलती की जो बाद में सुधार सुधार दी है गौरव जी आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा बिल्कुल सही जवाब दिया है पल्लवी गुंजाल सही जवाब अनन्या बिरला सही जवाब देन गौरव जी यस बिल्कुल एकदम कड़क जवाब है गौरव जी आपका साक्षी कुमावत जी बिल्कुल सही जवाब और ज्योति पटेल और ओम जी आपका भी जवाब बिल्कुल सही है चलो ओके अभिनव सिंह जी भी कह रहे हैं सर हम भी बिल्कुल बेटा बहुत मजा आता हो बटा बोलने में बहुत ज्यादा मजा आता है hmm. बेटा बटा, सर, गोपाल गोपाल जी जी माली जी, हिंदी वाले मजेदार होते हैं ओके शुभम जी कह रहे सर मेरा रॉन्ग हो गया बेटा रॉन्ग हो गया तो क्या, क्या बेटा उल्टा रॉन्ग होगा ना तो आपको याद रहेगा कि मैंने गलती की थी एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बिल्कुल सही जवाब दे पाओगे चलो आई बिलीव ये सभी को समझ में आ गया है तो हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों ठीक है अगला कॉन्सेप्ट हमारा इंतजार कर रहा है और उसको हम ज्यादा देर तक ठीक है लाइन में नहीं रख सकते आखिरी कॉन्सेप्ट दू का दू दू दूनी चार वाह साहिल जी वाह ओके चलो सो so, अब दोस्तों शुरुआत करेंगे हम हिंदी मीडियम वाले अंग्रेजी मीडियम वाले या दूसरे किसी मीडियम वाले सभी लोग मिलके करते हैं शुरुआत ठीक है जब घड़ी के कांटे एक दूसरे से रूट जाते हैं जब घड़ी के कांटे एक दूसरे के साथ रूठ जाते हैं तो रूट जाने के बाद एक इधर और एक उधर मना ऑपोजिट दिशा में चले जाते हैं तो जब ये ऑपोजिट दिशा में चले जाते हैं तो दे आर इन स्ट्रेट लाइन टू इच अदर तो एक घंटे में एक बार ऐसे होता है कि ये एक दूसरे के साथ रूटते हैं आपको तय करना है कि किस समय पे ये एक दूसरे के साथ रूट जाते हैं एट वॉट टाइम द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन अ पर्टिकुलर आर दे आर अपोजिट टू इच अदर सो हाउ टू फाइंड दिस आउट दर इज अ स्मॉल द अमॉल फॉर्मुला दूलाइज एन हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर अपोजिट टू इच अदर इज इक्वल टू हा 12 by 11 into हाँ बोलते जाइए in, uh, bracket h into 5 अब यहां पे प्लस या माइनस साइन लिखी तो भी चलेगी नहीं लिखी तो भी चलेगी चलो सो so, प्लस या माइनस क्या लिखेंगे यहाँ यहां पर सेम formula है जो आपने इसके लिए यूज किया था ना किसके लिए वेन देंड्स ऑफ द क्लॉक दे आर perpendicular सेम formula है बस यहाँ पे मिनट स्पेस जो घड़ी के कांटों के बीच में होगा वो स्पेस मिनट्स का होगा घड़ी के कार्डो के बीच में जो होता है, वो 30 का दोस्तों याद रखियो ठीक है चलो सो so एक बार एक फॉर्म्यूला याद कर लिए तो बाद के तो बहुत आसान है ये तो कॉमन है सब में ट्वेल्व बाईलेवन इंटू एच इंटू फाइव ये तीनों में कॉमन है ठीक है तो ये फॉर्मूला कब यूज होगा जब क्लॉक दे आर दे तीचा दर तो कोइनसाइड भी तीचा दर में सिर्फ इतना क्यों नहीं होता क्योंकि वहां पे मिनट्स पे जीरो है ना तो प्लस या माइनस करेंगे भी तो प्लस या माइनस जीरो कोई फर्क पड़ेगा ही इसलिए वो बाद का जो ये है वो हटाया जाता है ठीक है बाद की जो चीज है वो हटाई जाती है क्यों हटाई जाती है यही कारण है ठीक है क्योंकि घड़ी के कांटों के बीच में जीरो मिनट स्पेस होती है तो इसलिए प्लस माइनस जीरो लिखने के बदले प्लस माइनस हमने हटा दिया पहले केस में। दूसरे के साथ रूट जाते हैं और रूट के रूटने के बाद एक दूसरे दें दें से एकदम विरुद्ध दिशा में चले जाते हैं तो हम प्लस और माइनस थर्टी का इस्तेमाल करते हैं ठीक है ठीक है सर एकदम बढ़िया सर अब बढ़ेंगे हम आगे सर इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हो जाए बिल्कुल हो जाए पहला सवाल आपके लिए यह रहा पहला सवाल आपके लिए फॉर्मूला सबको समझा समझा होगा तो दिल भेजो दिल भेजो दिल भेजो, भेजो जल्दी से दिल भेजने के पीछे वजह यह है कि दिल भेजने के लिए समय कम लगता है यस टाइप करने के लिए तीन बटन लगते हैं दिल भेजने के लिए केवल एक बटन का इस्तेमाल होता है तो यश को समझा है राम रंग जी को समझा है और किन किन को समझा है वेदांत जी समझा है वेरी गुड ओके और कौन है जिनको समझा अतुल पांडे जी दिया अग्रवाल जी अभिनव सिंह शा, शाहिल शाश्वत ओके okay, साहिंद जी कह रहे एक ही तो दिल है कितनी बार भेजू बेटा जितने बार दिल लगाओगे उतने बार दिल देना पड़ता है याद रखियो ओके okay, हरिशाली उदासी जी विष्णु सेंगल गोपाल माली रूपम ज्योति पटेल चलो धन्यवाद बच्चों, चलो अब आप सवाल आपके सामने आ रहा है यह सवाल आपके नाम समझो ऐसा कौन सा समय होता है घड़ी में ऐसा कौन सा समय होता है एक और दो बजो बजे के बीच में एक और दो बजे के बीच में दोपहर को जब आप खाना खा लेते हो ठूस ठूस के खाना खाने के बाद एक और दो बजे के बीच में ठीक है ऐसा कौन सा समय होता है जब घड़ी के कांटे एक दूसरे से रूठ जाते हैं और रूठने के बाद एक दूसरे से अपोजिट दिशा में जाके बैठ जाते हैं बता दीजिएगा रहे दिल की बोर्ड पे फ्री है कितने भी भेजो साहिल जी का दिल ही टूट गया है बेटा कोई बात नहीं बेटा बेटा जब तक आप तीनों लेवल क्लियर नहीं करते और जब तक आपके डिग्री के सामने आपके नाम के सामने सामने इनफैक्ट सीएस की डिग्री लग नहीं जाती तब तक आप किसी से भी दिल लगाने की जरूरत मत कीजिए ठीक है अगले दो तीन साल तक आपका दिल केवल आईसीएसआई को दे दीजिए आईसीएसआई दिल तोड़ती भी है दिल बनाती भी है और हमेशा आपके साथ आखिरी सांस तक आपका साथ भी निभाती है अब सवाल के जवाब आना शुरू हो चुका है साक्षी जी ने 38 बटा दो बाई ग्यारह अभिनव सिंह जी ने अपना आंसर हटा दिया है वेदांत अड़तीस बटा दो बाई ग्यारह लोप मुद्रा अड़तीस बटा दो बाई ग्यारह दिव्या अग्रवाल अतुल यश ईशा ज्योति पटेल अभिनव सिंह ओके पल्लवी गुंजाल देन गोपाल जी और रूपम जी इन सभी का आंसर थर्टी एट एंड टू बाई इलेवन मिनट पास्ट वन ओ हम्म चलो सो so, जी कह रहे हैं सर थर्टी मिनट्स पास बेटा आठ मिनट खा लिए शायद आपने देख लेते हैं द टाइम एट विच हैंड्स ऑफ द क्लॉक दे विल बी ऑपोजिट टू इच अदर बिटवीन वन एंड टू ओ क्लॉक इज इक्वल टू बारह बटा ग्यारह इंच ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट फिफ्टीन इंटू एच ठीक है देवी और सज्जनों सॉरी फाइव इंटू एच देव्यूर से जोनो यहां पे साइन कौन सा यूज किया प्लस या माइनस यहां पे साइन कौन सा यूज किया प्लस ओके प्लस थर्टी प्लस थर्टी सो बारह बटा ग्यारह इंटू फाइव इंटू एच इज वन प्लस थर्टी 5 into 1 is 5, so 12 by 11 into bracket 5 plus 13, 5 plus 13 is 35, 35 into 12, ठीक है, so 35 into 12 करोगे, तो आपको जो जवाब आप मिलता है 35 into 12 का, ठीक है, वो मिलता है 420, वाह, 420 बड़ा प्यारा नंबर है, ठीक है, 420 की टक्कर बाद में किससे लगानी है, 12 से नहीं डायरेक्ट आंसर ही 420 है ना ओ 35 12 इस 420 420 11 ओके अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में 11 एज इट इज लिख देंगे 420 डिवाइडेड बाय 11 करके जो आंसर आएगा 38.18 में से 38 यहां पे लिख देंगे उसके बाद 420 में से 38 11 माइनस कर देंगे 38 11 का जो आंसर आपको आता है वो आता है फोर हंड्रेड एंड एटीन तो यस तो yes, बिल्कुल सही जवाब दिया आप सभी लोगों ने साहिल जी गलत हो गया कोई बात नहीं वेरी गुड शुभम सिंह जी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है किस समय पे किस समय पे किस समय पे, किस समय पे नौ और दस बजे के बीच में घड़ी के काटे एक दूसरे के साथ रूठ जाएंगे किस समय पे नौ और दस बजे के बीच में घड़ी के काटे एक दूसरे के साथ रूठ जाएंगे ऐसा कौन सा समय रहेगा नौ और दस बजे के बीच का ऐसा कौन सा समय रहेगा जब घड़ी के काटे एक दूसरे के साथ रूठ जाएंगे ओके okay, दिव्या जी पूछ रहे हैं एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन कैलकुलेटर अलाउड है क्या कैलकुलेटर एग्जामिनेशन में अलाउड नहीं है ठीक है वहां पे अगर लेंथी कैलकुलेशन रहेंगे तो उसके आंसर्स आपको वहां पे मेंशन करके दिए जाएंगे चिंता मत कीजिए सिंपल कैलकुलेशंस आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे सिंपल कैलकुलेशंस आप ओरली भी कर पाओगे बेटा सिंपल कैलकुलेशंस आप ओरली भी कर पाओगे ओम जी का आंसर थर्टी एट एंड टू बाई इलेवन मिनिट्स प्रीवियस वन का आंसर दिया शायद ओम जी आपने हर्षाली उदासी 49 एंड 1 बाई इलेवन मिनट पासन देवियों और देवताओं आपसे एक अनुरोध है ठीक है रिक्वेस्ट है, है कि बेझिझक कमेंट पोस्ट कीजिए और कमेंट डिलीट करने की जरूरत नहीं है ठीक है सो प्लीज निश्चिंत के आप कमेंट कर सकते हो ठीक है अपना ये ओपन प्लेटफॉर्म है कमेंट करने के बाद डिलीट करने की जरूरत नहीं है अच्छा कमेंट हो ठीक है या गलत आंसर आया हो सही हो गलत हो कमेंट रहने दीजिए क्या ही फर्क पड़ता है ठीक है हम सब लोग यहां पे सीखने के लिए आए हैं तो सीखने में गलतियां तो होती हैं चलो यहां पे जवाब गौरव जी का सिक्सटी नाइन फोर बायन मिनट गौरव जी वेरी गुड बेटा वेदांत सिक्सटी नाइन फोर बाय साक्षी सिक्सटी नाइन फोर बायन अभिनव सिंह यस गौरव जी बिल्कुल पहले जवाब आपने दिया बेटा प्राउड ऑफ यू बेटा लोप मुद्रा जी साक्षी अग्रवाल जी पल्लवी ज्योति पटेल साहिल अतुल पांडे जी सभी के जवाब आ चुके हैं रूपम बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल सही जवाब ठीक है इसके बाद एमसीक्यूज हम शुरू करने वाले हैं सो प्लीज बने रहिएगा भाग मत जाना ओके okay. सो so, देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों तीन चार मिनट आखिरी तीन चार मिनट में हम एमसीक्यूज का सत्र लेने वाले हैं आपका ओके okay. सो so, इसका आंसर था टाइम एट एट विच देंड ऑफ द्लॉक इंटू ब्राकेट में एच इंटू फाइव यहाँ पे साइन जो यूज किया माइनस थर्टी आपने यूज किया होगा आई बिलीव आपने माइनस थर्टी साइन यूज की है ठीक है सो माइनस so, की साइन यूज करनी थी स्टार्टिंग आर नो था नाइन इंटू फाइव नाइन फाइव था फोर्टी फाइव ओके सो वेरी गुड बच्चा पार्टी ठीक so है सो फोर्टी फाइव माइनस थर्टी फोर्टी फाइव माइनस थर्टी कितना फिफ्टीन फिफ्टीन इंटू टू टन एटी वन एटी बाई इलेवन वन एटी बाई इलेवन को लिखते वक्त इलेवन डिनोमिनेटर में ऐसे ही लिखना और वन एटी बाई इलेवन का जो आंसर आता है आपका वो सिक्सटीन पॉइंट थ्री सिक्स आता है उसमें से सिक्सटीन यहां पे लिखना है उसके बाद सिक्सटीन और इलेवन का मल्टीप्लीकेशन करोगे आप सिक्सटीन इंटू इलेवन का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद वन सेवेंटी सिक्स आंसर आता है 180 में से 176 गाइप करेंगे तो चार आएगा तो सिक्सटीन फोर टू पास अदर आई बिलीव सभी को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जिस प्रकार से आप जवाब दे रहे हो ठीक है उससे हमें यह प्रतीत हो रहा है कि आपको पूरा डिस्कशन समझ में आ गया है अगर आपको पूरा का पूरा डिस्कशन समझ में आ गया है तो पूरे के पूरे एमसीक्यूज आपसे पूछे जा रहे हैं कुछ एमसीक्यूज तीन चार एमसीक्यूज वैसे तो कल बहुत सारे एमसीक्यू हम आपसे पूछने वाले हैं टेस्ट में ठीक है टेस्ट में कई सारे एमसीक्यू हम आपसे पूछने वाले हैं सर स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा किया जाए बिल्कुल कर देते हैं सो so, एमसीक्यू आपके स्क्रीन के सामने कंप्यूटर महोदय पेश किए जाए पहला एमसीक्यू आपके स्क्रीन के सामने पेश किया जाए चलो देवी और सज्जनों ओके सो क्लॉक्स के कुछ एमसीक्यूज़ आपके स्क्रीन के सामने पहला एमसीक्यू सही जवाब देना है इफ द मिनट सैंड इज ऑन सेवन एंड आर सैंड इज बिटवीन थ्री एंड फोर वॉट इज द टाइम ऑन द क्लॉक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है माली जी हमारी हमारी तारीफ कर रहे कह रहे हैं सर आपकी टीचिंग स्टाइल बहुत ही प्यारी है थैंक यू बेटा थैंक यू बेटा बस कोशिश करते हैं आप लोगों को पढ़ाने की और इस कोशिश में आप लोगों का इस प्रकार से अप्रिसिएशन आ जाता है तो बहुत अच्छा लगता है ओके अतुल जी कह रहे हैं नहीं दिव्या जी ने आंसर दिया तीन बजकर पैंतीस मिनट चलो ऑप्शंस कंप्यूटर मोदी इनके सामने लाए जाए ठीक है सात सात बजकर 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 तीस मिनट मिनट चालीस या फिर तीन पैंतीस मिनट या फिर घड़ी में चार बजकर पैंतीस मिनट हो चुके हैं कौन सा जवाब सही रहेगा ए बी सी या डी बताइए अगर मिनट का काटा सात पह और चार बजे के बीच में है तो किस टाइम पे घड़ी में कौन सा टाइम हुआ होगा ये आपने बताना है घड़ी में कौन सा टाइम ऑप्शंस बताएंगे ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है तो मैक्सिमम बच्चे तीन बजकर पैंतीस पैंतीस मिनट जवाब दे रहे हैं और पहले कुछ अलग जवाब आए थे जिन्होंने जवाब दिए थे उन्होंने डिलीट कर दिए कोई बात नहीं ऑप्शन सी को लॉक किया जाए कंप्यूटर महोदय देखो आपने इसलिए क्वेश्चन टिक से पढ़ाना है हमारे सामने घड़ी लाई जाए ओके सो देखो ठीक का है आपके घड़ी के आर्स का कांटा देखो कहां है आर्स का कांटा है तीन और चार बजे के बीच में ठीक है और मिनट का काटा सात पे है तो इसका मतलब तीन बजकर ठीक है स्टार्टिंग तो तीन बजकर कुछ मिनट हुए इतना हमेशा याद रखना तीन बजकर अब अगर मिनट का कांटा सात पे यानी पैतीस मिनट हो चुके हैं ठीक है सो तीन बजकर पैंतीस मिनट ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब था वेरी गुड थर्टी फाइव मिनट पास्ट क्लॉक चलो so, जिन्होंने ऑप्शन सी दिया उनका जवाब बिल्कुल सही है अगला सवाल आपके सामने कंप्यूटर महोदय लेके आ रहे हैं हाउ मेनी नंबर ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक ठीक है ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ठीक है सिंपल क्वेश्चन में भी कुछ बच्चे गलत गलतियां कर देते हैं हाउ मेनी नंबर अपियर ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक टेन सिक्स ट्वेल्व या ट्वेंटी फोर गौरव जी देखो आप जब क्लास में मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे और एग्जामिनेशन पेपर बाद में सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा हम जो सेशंस में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो कई गुना डिफिकल्ट होते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट मोर सिंपलर क्वेश्चन ओके चलो सो so बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं साहिल जी ट्वेल्फ वेदांत हर्षाली अतुल सी पल्लवी जी बिल्कुल सही जवाब चलो कंप्यूटर में ऑप्शन सी को लॉक किया जाए हमारे सारे बच्चे जानते हैं घड़ी के अंदर बारह नंबर होते हैं ठीक है चौबीस घंटे भले ही होते होंगे लेकिन नंबर केवल बारह ही होते हैं ओके अगला सवाल आपके स्क्रीन पे रहा इफ द आर्स एंड इज बिटवीन टेन एंड इलेवन एंड मिनट्स हैंड इज ऑन फाइव व्हाट इज द टाइम ऑन द क्लॉक अगर आपकी आर का घंटे का काटा दस और ग्यारह के बीच में है देवियों और उनके प्यारे प्यारे भाइयों बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो आप लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो ठीक है जवाब आपका है जवाब आपका है दस बजकर दस बजकर कितने मिनट हुए है? yes, है हैं? यस 25 मिनट बोलिए हर्षित जी डेफ टैक्स इज द टाइमिंग डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इनकम टैक्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट अंग्रेजी में चल हमारे एग्जीक्यूटिव के प्यारे प्यारे हर्षित जी ने एक सवाल पूछा था डेफर्ड टैक्स का मतलब क्या उनको हमने बता दिया बताने के बाद भाई साहब चले गए बोले सर एक लेक्चर के बाद ही बता दो तो अच्छा रहेगा बी यह आंसर बिल्कुल सही है अब आज के सत्र का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा आज के सत्र का आखिरी सवाल ये रहा हाउ मेनी नीडल्स इन द क्लॉक क्लॉक के अंदर कितनी नीडल्स होती है कितनी सुइया होती है घड़ी के अंदर कितनी सुइया होती है बता के जाइए बता के जाइए बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए तीन सुइया होती है तीन 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 दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दिया है ठीक है so, सो घड़ी के अंदर तीन सुइया होती है और इसी के साथ हमारा सत्र हो जाता है समाप्त देवी और सज्जनों अगर आपको हमारा सत्र पसंद आया है तो आपके वीडियो के साइड में एक बटन होता है लाइक का ठीक है उसको आप दबा सकते हैं और दूसरा बटन होता है सब्सक्राइब का तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है अपार्ट फ्रॉम दैट अपार्ट फ्रॉम दैट देवी और सज्जन अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है आप जितने हो सके उतने बच्चों के साथ ठीक है अपने सेशंस की लिंक शेयर करते जाइए हम चाहते हैं कि सीएसईटी के मैक्सिमम बच्चे हमारे साथ जुड़ जाए गौरव जी कह रहे सर कैम पढ़ाया आपने था मैं समझा नहीं ओके okay, चलो ओके okay, लाइक like हो गया थैंक यू वेरी मच बच्चों सो कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ठीक है कुछ मिनट्स आखिरी कुछ मिनट्स आपको देते हैं हम ठीक है कुछ पूछना होगा तो कुछ पूछ लीजिएगा ओके okay, चलो सो so, दोस्तों यहीं पर रुकते हैं शायद किसी की कोई क्वेरी नहीं है टाटा बाय लेट्स मीट टुमारो कल मिलेंगे इसी जगह इसी समय ठीक है so, सो कल आपके आज आपके तीन सेशन हुए हैं ठीक है सो so, बाकी सेशन आपके कल से शुरू होने वाले हैं आज इकोनॉमिक्स का सेशन रहा यस yes. बाकी सेशन आपके कल से शुरू ओके okay, चलो सो डाटा बाय फिर मिलेंगे चलते चलते